और यही मोटिवेशन रहता है हर समय कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों के साथ हो हम, तो वो सेशन पिछली बार से ज्यादा बेहतर हो। तो थैंक यू सभी लोगों को, और सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जी सुशील सर, स्टार्ट करते हैं। जी चूंकि हमारा प्रोडक्ट सेशन है और सर ने जैसा बताया, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी अपना। जी हाँ, मेरा एटमी में आना लक बाय चांस जिसे हम कहते हैं वो था। ज्वाइन किया था सिर्फ डॉक्यूमेंट दे करके, कि बस डॉक्यूमेंट दे दिया है और इसके बाद नहीं कुछ भी करना है। 3 महीने तक कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था ऑफ द वे जा करके। बिकॉज सर ने बताया कि मैं एज ए सीनियर टीचर काम करती हूँ, और अप टू 10th क्लास तक की मेरी बायो और केमिस्ट्री है, एमएससी बीएड मेरी क्वालिफिकेशन है। तो ये नेटवर्किंग, ये मेरा ऑफ द वे ही वर्क था, इसलिए कभी जाना नहीं था इधर। बट लॉकडाउन जो था वो एक सबके लिए शायद वो अभिशाप हो, बट मेरे लिए ये एक आशीर्वाद का काम किया कि एट द टाइम मुझे टाइम मिला। और उस समय मैंने ये सोचना शुरू किया था एटॉमी के लिए, कि मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे लगाया था, रविंदर सर हैं बनारस से, उन्होंने मुझे यहाँ पर ज्वाइन कराया था। तो मुझे ये था कि मुझे इनको मना करना है, मुझे नहीं करना है एटॉमी। तो मैंने ये देखना शुरू किया कि एटॉमी की क्या ऐसी नेगेटिविटी हो, क्योंकि फैमिली रिलेशन था तो हम सामने से भी नहीं मना कर सकते हैं कि हमें नहीं करना है। तो हमने ये ढूंढना शुरू किया था कि एटॉमी की कुछ तो नेगेटिविटी होगी जिसकी वजह से मैं इन्हें सामने से बोल दूं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे नहीं करना है। बट वो दिन है और आज का दिन है कि मुझे इसमें कोई भी ऐसे नेगेटिविटी नहीं मिली। पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा मिली कि जिस डेडिकेशन के साथ शुरू किया था वो आज तक बरकरार है, और फिंगर क्रॉस आगे तक वही डेडिकेशन मैं अपने में फील करना चाहती हूँ, अपनी टीम के साथ फील करना चाहती हूँ। बिकॉज प्लान एब्सोल्यूट है, प्रोडक्ट एब्सोल्यूट है, जो इसका मोटो है, लोगो है, ए एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, हर चीज में ये प्रूवन है अपने आप में। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे एक स्ट्रीम हम लोगों को मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं, तो डेफिनेटली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही हम सभी के लिए है। बट डिपेंड वही है कि जो जितना ज्यादा इसमें डाइव करेगा उतना ज्यादा उसको जेम्स यहाँ से मिलने शुरू होंगे। तो हम सभी लोग इसको बेहतर तरीके से करें, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद आगे हम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम जाने ना दें। और चूंकि ये प्रोडक्ट सेशन है, और अब ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं सबसे पहले अपना जो हम लोगों के बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे पहले अभी जो रिसेंटली लॉन्च्ड हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एटोमी का बॉडी लोशन, तो सबसे पहले हम उसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये रिसेंटली लॉन्च भी है। तो हम इसी प्रोडक्ट को लेकर के स्टार्ट करते हैं। एटोमी का जो बॉडी लोशन है, मैंने बॉडी लोशन का आया हुआ है। सर मैं शेयर कर रही हूँ आपके दूसरे वाले नंबर पे। मैं इसे प्लीज कर दे जी इस सर, पे जिस सबसे पहले तो पे। मैं एटॉमी के बॉडी लोशन की बात करती हूँ। इसकी जो पीवी है वो 4500 की है, और डीपी जो है वो 1032 का है, यानी 1032.5 का है, और एमआरपी 1200 की है। जैसे हम नॉर्मल साइट पर जब जाकर के देखते हैं तो एमआरपी प्राइस हमें दिखता है, और जब हम उस पर लॉग इन करते हैं तो हमें जो प्राइस दिखता है वो डीपी के साथ दिखता है, बट जीएसटी उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। अभी जो मैं डीपी प्राइस आपको बता रही हूँ ये डीपी के साथ है, इंक्लूडेड है आपका जीएसटी। तो सबसे पहले कि एटॉमी का बॉडी लोशन अन्य बॉडी लोशन से क्यों अच्छा है, क्या ऐसी चीज है जो हमें बॉडी लोशन की जरूरत पड़ेगी, या अभी इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है हम लोगों को, क्यों हम इसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि बॉडी लोशन की जरूरत इसलिए होती है कि ये नमी को बरकरार रखता है, यानी कि अभी चूंकि ये समर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो हमारी बॉडी में से पानी जो है वो एवोपोरेट होता जाता है, जिसे वेपोराइजेशन हम कहते हैं, वो बॉडी से हमेशा कंटिन्यू वेपोराइज होता रहता है। तो उस नमी को बरकरार रखने के लिए इस बॉडी लोशन की जरूरत होती है। स्किन की इलास्टिसिटी, जो एक लचीलापन होता है स्किन में, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बॉडी लोशन की आवश्यकता होती है। स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए और स्किन को सूदिंग रिलैक्सिंग बनाने के लिए भी बॉडी लोशन की आवश्यकता होती है।
एटोमी का बॉडी लोशन ही हमें क्यों लेना है? सबसे पहले तो ये बात है कि बॉडी लोशन के ये फायदे हैं कि ये चीजों की वजह से हमें बॉडी लोशन लेना है, और एटोमी के लोशन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये इन सारी मापदंड पे खरा उतरता है, साथ ही इसको हमें लगाने से पॉइंट भी मिलेंगे जो हमारे बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। स्किन की टॉप लेयर को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर लॉस होने से भी रोकता है, साथ ही स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको रिटेन करने में हेल्प करता है, एक नेचुरल फ्रेश एरोमा प्रोवाइड करता है। जब आप इसकी बॉटल में से उस ड्रॉप को हाथ से लेते हैं तो आपको एक स्मेल आती है जो एक आपकी जो फ्रेग्रेंस होती है उसको मेंटेन करता है, वो एरोमा प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक नॉन स्टिकी फील देता है। मतलब जब आप इसको अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से स्किन पे मिल जाता है और बिल्कुल भी वहां पर ऑयलीपन नहीं छोड़ता है। आप लगाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बॉडी पे कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल क्रीम आपने लगा रखा है, और एक लेयर प्रोवाइड हो जाएगी जो इन सारी प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। साथ ही इसका जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, अभी जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो हैं वो स्किन की इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, स्किन की डेड सेल्स जो होती हैं उसको जेंटली रिमूव करने में मदद करते हैं। किसी भी तरीके के स्किन टाइप के लोग हों उनके लिए ये इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी की स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, या आपका ड्राई है या रफ है, कुछ भी नहीं, हर तरीके के लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर सबकी जानकारी के लिए बताऊंगी कि हम लोगों के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या हम लोगों का जो स्किन टाइप है, या वो हेयर स्कैल्प के लिए हो चाहे वो स्किन के लिए हो, हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि साल भर के अंदर में हमारी स्किन अपने आप को रिजुविनेट करती है। यानी कि हम जितना भी उसमें प्रोटेक्टिव लेयर लगाएं या कुछ भी करें, हमारी स्किन जो है वो अपने आप को रिजुविनेट हर बार करती है। यही चीज हमारे हेयर स्कैल्प के साथ भी होता है। तो जब भी हम अपने प्रोडक्ट्स को किसी को सजेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसको कभी भी एटॉमी रोकता नहीं है। तो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स, चाहे वो हेयर के लिए हो या स्किन के लिए हो, उन सारी प्रोटेक्टिव लेयर को बनाने के बाद भी एटॉमी नेचुरल जो ब्रॉड बॉडी प्रोसेस है उसको रोकने में कभी मदद नहीं करता। यानी कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होने देता है, किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना को रोकना बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना को अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो कुछ गलत ही होता है, चाहे वो हमारी स्किन के साथ हो या नेचर के साथ। तो यहाँ पे भी वही है कि हमारी नेचुरल फिनोमिना जो है स्किन या हेयर की या बॉडी की, वो कंटिन्यू अपना काम करती रहती है और एटॉमी उस पर एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह असर करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जो इसकी इतनी सारी खूबियां जो भी मैंने आपको गिनाई है उनको मेंटेन करने में मदद करते हैं, तो इनका जो इंग्रेडिएंट है वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसका कैमोमाइल। कैमोमाइल के इस्तेमाल से इसकी जो स्किन की एंटीऑक्सीडेंट प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, स्किन रीजनरेट होती है, जो स्किन में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं वो टाइटन होते हैं और एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। कई बार होता है कि स्किन बहुत ज्यादा रफली यूज करना, हम नहाने के समय या स्किन पे अगर हम कोई चीज क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, हम बिल्कुल उसको रगड़ के इस्तेमाल करते हैं, कभी भी नहीं। जब भी हम किसी भी जो क्रीम या मॉइस्चर या लोशन होता है उसको जब भी हमें लगाना चाहिए, हमेशा जेंटली लगाना चाहिए, हल्के हाथ से लगाना चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है हमारी। दूसरा जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है रोजमेरी, जो एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। स्किन में स्वेलिंग या पफिनेस, कई बार होता है कि हम लगाते हैं कोई चीज तो स्वेलिंग हो जाती है, या सवेरे जैसे हम सो के उठते हैं अक्सर तो आंखें भारी भारी सी लगती हैं, उस टाइप का कोई भी इंप्रेशन यहाँ पर आपका नहीं बनेगा। यानी कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, स्वेलिंग और पफनेस को भी रोकने में मदद करता है, और कभी अगर बाई चांस आपकी स्किन में कोई बर्न हो जाता है या जल जाती है तो भी अगर आप इसको लगाते हैं तो ये जो रोजमेरी इंग्रेडिएंट है इसका, ये उसे एक सूदिंग प्रोवाइड करता है, ठंडक प्रोवाइड करता है और पावरफुली उस जो जलन होती है उसको क्योर करने में मदद करता है। एक्जिमा हो या डर्मेटाइटिस हो या सोरियासिस हो, इस तरीके का हर एक जो स्किन डिजीजेस होती है जो अक्सर सीजन चेंज होने पे लोगों को फेस करनी पड़ती है, एलर्जी टाइप कुछ हो जाता है, कुछ लोगों को धूप से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ठंड से एलर्जी होती है, तो उन सभी में ये लोशन आपका काम करता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है इसका लैवेंडर।
जिसकी कैपेसिटी होती है एक्ने को कम करने की, यानी कि अक्सर जैसे अगर हम इस लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी गर्मी के दिनों में अक्सर हम लोग फेस करते हैं कि हम थोड़ी सी धूप में अगर जाए या कभी पसीना वगैरह आता है तो अक्सर बॉडी पे खुजली, जिसे हम प्रिकली कहते हैं, घमौरियां भी अगर हो जाती हैं, तो उन सारी चीजों को कम करने में ये मदद करता है। स्किन को लाइटन करता है, यानी कि आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे लाइटन शेड की होती जाती है, और रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। जो मार्शमेलो इसका इंग्रेडिएंट है, ये स्किन में इरिटेशन की प्रॉब्लम्स को खत्म करने में मदद करता है, और साथ ही साथ स्किन की जो फॉक्युलेसिस होती है, कुछ कई बार होता है कि अगर हमारे जो रोए होते हैं वो अगर गलती से टूट जाते हैं तो वहां पर छोटे सा फोड़े या फुंसी का आकार ले लेता है, जिसे हम बलतोड़ भी कहते हैं या छोटी फुंसी भी कहते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स भी अगर आपकी हो रही है तो ये इसका कम करने में मदद करता है। हार्डुना कॉर्डोटा, इसमें एक पॉलीसेक्राइड होता है जो स्किन में प्रेजेंट होता है, और ये एक तरह का ह्यूमेक्टेंट होता है। ह्यूमेक्टेंट का मतलब होता है कि स्किन में मॉइस्चर लॉस को रोकना। बेसिल एक एंटीबैक्टीरियल है, जिसे हम इंडिया में तुलसी के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन कंट्रीज में इसे बेसिल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, जो त्वचा पर फोड़े फुंसी होने से रोकता है, यानी कि ये ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है जो इन प्रॉब्लम्स को रोकता है, और नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है कि अनावश्यक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको साफ सुथरा करके उस जगह को प्रॉब्लम फ्री बनाता है। फेनिल सौंफ जो होता है, ये एक तरीके का फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए होता है, जो हमारी स्किन को डायरेक्ट सोर्स प्रोवाइड करता है कुछ जो हैवी मेटल्स होते हैं, लाइक कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, जो स्किन को एजिंग से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही पोर्टुलेका ऑलरेका है, ये एक्सफोलिएटरी एलिमेंट्स का काम करता है, यानी कि स्किन की जो डेड सेल्स होती है उसको हटाने का काम करता है, जिससे स्किन स्मूथ रहती है, रफनेस कम होती है, स्किन टाइट होती है, ब्राइट होती है, और साथ ही साथ वो पोर्स को भी अनक्लॉग करता है। अनक्लॉग करने का मतलब है कि वो उसे बंद होने से रोकता है, खोल देता है। अंशु ऑयल होता है, जो इस जो हमारी स्किन को ब्राइटर करता है, हाईलाइट करता है, मॉइस्चराइज करता है, रिवाइटलाइज करता है, और जितना भी डल कॉम्प्लेक्शन होता है उसको धीरे धीरे खत्म करके स्किन को फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है। इसमें एप्पल अरोमा होता है, जो एक खुशबू, जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको एक खुशबू जो मिलती है, वो खुशबू जो है वो उस एप्पल अरोमा और एक्साइटस एक्सट्रैक्ट की वजह से होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारे एटमी के बॉडी लोशन की। मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज और बताऊंगी कि जब भी हम किसी एटॉमी के स्किन प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं लाइटन करता है या ब्राइटन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांवले वाले लोग एकदम गोरे हो जाएंगे या जिनका कलर एकदम डार्क है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे। जो भी हमारा स्किन कलर है वो उससे एक शेड लाइटर हो सकता है। तो इन चीजों का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो आजकल हम लोग सबसे ज्यादा यूज करना जरूरी हो रहा है, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, तो दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें वो है हमारा एटॉमी का सनस्क्रीन लोशन, एटॉमी की सनस्क्रीन। सबसे पहले अगर सनस्क्रीन का थोड़ा सा अगर हम लोग परिचय दें, बहुत सारे लोग के लिए वो शायद कुछ नया होगा कि ये क्या चीजें हैं। तो सनस्क्रीन एक प्रोटेक्टिव क्रीम होती है जो सन की यूवी रेज से रोकने में मदद करती है, स्किन में जाने से उस यूवी रेज को रोकती है। और आज की डेट में सन का जो हीट है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। अभी हम विंटर में थे और एकदम से सडन चेंज हुआ जो एटमोस्फियर की, आप जब बाहर जाते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक जो लगता है, उससे जब आप वापस आते हैं तो आपको स्किन में जो डिफरेंस दिखाई देता है, अपनी ही स्किन में आपको डिफरेंस दिखाई देने लगता है। आप आंखों को तो चश्मे से रोक लेते हैं, बट जब उस चश्मे को आप आंखों से हटाते हैं तो आपकी जो अदर स्किन, जो ओपन एरिया है, उसमें और आंखों के पास के एरिया में भी बहुत फर्क दिखाई देता होगा। ये और कुछ नहीं है, इसे हम टैनिंग कहते हैं, जो उस धूप की यूवी रेज की वजह से होती है जो स्किन पे नुकसान पहुंचाती है। यानी कि जो सनस्क्रीन है इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए, ये सनस्क्रीन हमारी स्किन को सनबर्न से या प्री मैच्योर एजिंग से बचाती है। सनस्क्रीन की मदद से हम सूर्य की यूवी रेज को रोक सकते हैं अपनी स्किन लेयर में जाने से। जब ये यूवी रेज हमारी स्किन की लेयर्स में नहीं जा पाती हैं तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम करती है, क्योंकि अगर ये यूवी रेज हमारी स्किन में एंटर करती हैं तो स्किन कैंसर,
या आप कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे टैनिंग हो गई, रिंकल्स हो गए, एजिंग हो गई, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ये प्रमोट करती हैं, बढ़ावा देती है। तो इन सनस्क्रीन की वजह से हम इन प्रॉब्लम्स को कई गुना तक कम कर सकते हैं, जिसमें हमारा एटोमी का सनस्क्रीन किस तरीके से बेहतर है। तो जब भी हम किसी सनस्क्रीन को खरीदने जाते हैं, हम उससे उसका SPF देखते हैं। अब ये SPF क्या है? SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, सूर्य से बचाने वाले कारक। यानी कि इस SPF को भी नंबर से डिनोट किया जाता है, 15 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया। अब ये क्या है? अब ये SPF 15 का मतलब होता है कि ये सन की जो यूवी रेज होती है उसको 93% तक रोकता है। SPF 30 का मतलब होता है 97% तक रोकता है। SPF 50 जो है वो 98% तक रोकता है। हमारे एटोमी का सनस्क्रीन SPF 50 है और साथ ही उसमें प्लस भी लगा हुआ है। इस प्लस का मतलब है कि ये 98% तो 98% तो पूरी पूरी प्रोटेक्शन देता ही है, साथ ही वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देता है। और उसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसमें PA प्लस 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 भी दिखाई दे रहा है। अब इस PA प्लस 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 की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इस PA प्लस का मतलब होता है प्रोटेक्शन ग्रेड। ये जो PA प्रोटेक्शन है, इसका मतलब होता है कि PA प्लस को हम कैलकुलेट करते हैं कि ये UVA रेज से प्रोटेक्शन देता है, कुछ मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की मात्रा में यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है। पीए टू का मतलब होता है मॉडरेट, यानी कि पहले वाले से थोड़ी अधिक। और पीए थ्री का मतलब होता है हाई यूवीए प्रोटेक्शन, यूवीए रेज से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। और पीए फोर का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई, सबसे ज्यादा। तो हमारा जो एटोमी का सनस्क्रीन है उसके बेनिफिट आपको आराम से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि ये 98% प्लस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, साथ ही एक्सट्रीमली हाई कंडीशन यानी कि हाई प्रोटेक्शन, मतलब यूवी रेज की हाई प्रोटेक्शन से भी मदद। तो यहाँ पर अगर हम कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट जो त्वचा विशेषज्ञ होते हैं, उनका कहना है कि कम से कम SPF 30 तक का स्किन सनस्क्रीन लोशन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे एटोमी का जो सनस्क्रीन है वो SPF 50 प्लस है, यानी कि बेहतरीन है। अब सनस्क्रीन का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल एक नॉर्मल, जब भी आप कभी आउटर एक्सपोजर में जाते हैं, जिन लोगों को ज्यादा फील्ड वर्क करना होता है, जिन लोगों को गाड़ियों में ज्यादा ट्रेवल करना होता है, जो हीट सरफेस पे ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को तो बहुत जरूरी करना चाहिए। अदरवाइज ये हर एज के लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, किसी भी एज के लोगों को ये जरूर यूज करना चाहिए। जिन लोगों का आउटर एक्सपोजर है उनको तो बिल्कुल भी करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आप धूप में जा रहे हो, उसके पहले आप अपना इस तरीके का प्रोटेक्शन, जो हमारी एटोमी का SPF 50 प्लस PA 3 है, उसका सनस्क्रीन लोशन लगाएं और फिर आप आउटर एक्सपोजर में निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। बच्चों को अक्सर, क्योंकि अब समर एक्टिविटीज होंगी, स्विमिंग वगैरह होते हैं, स्केट्स होंगे या अदर जो भी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, उसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो उन्हें भी एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए हमारे एटोमी का सनस्क्रीन। 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी हम आसानी से दे सकते हैं। 6 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को हम अक्सर स्किन प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसके लिए हमारी एटोमी के अदर प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि जिन भी प्रोडक्ट्स के साथ जो कार्टन पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उनको हम ध्यान से जरूर पढ़ें। अब यहाँ पर एक जो सनस्क्रीन है हम लोगों का, ये दो टाइप का है, एक व्हाइट है, एक बीज है। व्हाइट हम जनरली ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीज का जो है वो आपका ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए करते हैं। तो ये है कि आज की डेट में ये हमारी प्रोडक्ट की नीड हो गई, और इन सनस्क्रीन को हमें सब लोगों को परचेज जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आज की हमारी जो हाउस लाइफ है उसमें बहुत जरूरी है, वो है हमारा एटोमी का लिक्विड डिटर्जेंट। एटोमी का जो लिक्विड डिटर्जेंट है उसकी अगर हम बात करते हैं, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बॉटल है हमारी इसकी, और इस प्यारी सी बॉटल का जो रिजल्टेंट है वो भी काफी अच्छा है। सबसे पहले तो इसका जो DP है वो 1121 रुपए का है GST के साथ, पॉइंट वैल्यू है 5700 का। दूसरा चीज, जब आप इसको बॉटल अगर
कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2 लीटर की बॉटल है यानी कि 2000 ml, और लगभग 20 ml की बॉटल आवाज कट रही है आपकी मैम, जो कैप आवाज कट रही है आपकी, उसमें 20 ml के करीब हमारा एक वॉश में लगता है। यानी कि अगर आप इसके यूजेस के बारे में देखा तो यूज़ ठीक है मैम, फिर से बोलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कट रही है। हेलो, अब ठीक है सुशील सर, आ रही है आप फिर से बता दीजिए इसके बारे में, अब आ रही है सुशील सर प्लीज, अगर आवाज आ रही है तो बताइए, आ रही है अभी आ रही है जी। मैंने बताया था कि उसकी बॉटल जी उसकी बॉटल पे जो कैप है उससे हम 2 लीटर 220 ml का अमाउंट देखते हैं, और उसके बाद हम उस बॉटल की क्वांटिटी के साथ अगर हम उससे मैचअप करते हैं तो 2000 ml की बॉटल में अगर हम 20 ml को यूज करते हैं एक बार में तो लगभग 100 बार हम अपने कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। यानी कि आपकी बचत की बचत हो रही है, और प्रोडक्ट से जो नेचुरल आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसकी खूबियों के बारे में भी हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप ओवरऑल इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 रुपए से भी कम में आपका एक कपड़ा वॉश हो रहा है। अगर 2 लीटर की बॉटल हमारी इतनी अच्छी और इतनी वैल्यूएबल और इतना अच्छा हमारा हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है तो इस बॉटल को खरीदना बनता है। अब हेल्थ कैसे बनेगी, धूल तो हम कपड़े रहे हैं और हेल्थ पे किस तरीके से असर करेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी जो क्वांटिटी है कि इस बॉटल को जब हम यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल क्लीन है। कोई भी प्रोडक्ट क्लीन होने का मतलब होता है कि उसमें किसी भी तरह का केमिकल मिक्स नहीं है। जब इसको आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये पूरी तरह से घुल जाता है, आपको नहीं पता चलेगा, वो जो झाग बनेगा उससे आपको पता चलेगा कि आपने इसमें कोई प्रोडक्ट मिक्स किया है। जब आप इसको पानी में मिक्स करते हैं तो नीचे तली पे कोई भी इसका रेजिड्यू नहीं बचता है। नॉर्मली जो हम लोग अपने घरों में अभी तक डिटर्जेंट का यूज करते थे, आफ्टर वॉश अगर हमने नोटिस किया हो तो वो वहां पर वॉशिंग मशीन के जो बॉटम एरिया होता था उस पे सेटल डाउन हो जाता था, बैठ जाता था नीचे, जिससे हमें आफ्टर वॉश क्लीनिंग करना होता था। अगर बाई चांस हमने छोड़ दिया तो आपको ये अगर पता होगा, जो फीमेल्स होंगी उन्हें जरूर पता होगा कि अगर हमने वॉशिंग मशीन को कपड़ा यूज करने के बाद, मतलब हटाने के बाद, धुलने के बाद अगर हमने वॉशिंग मशीन को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो हमारा वो जो रेजिड्यू बनता था वो उसके ड्रेनेज सिस्टम में जाकर के धीरे धीरे क्लॉग कर देता था, और वॉशिंग मशीन की जो इफेक्टिवनेस होती थी उसको धीरे धीरे कम कर देता था, और लगभग 2 से 3 महीने या 6 महीने के अंदर में हमें उसे सर्विसिंग करानी पड़ती थी, बिकॉज वो रेजिड्यू कहीं ना कहीं उसकी या तो पाइपलाइन में या तो मोटर के पास या जो भी उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको ब्लॉक करने लगता था, चोक कर देता। बट अब हम इस प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेजिड्यू कुछ भी नहीं बचे। 100% मैं इसकी गारंटी नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि कपड़ों से निकलने वाला जो डर्ट है वो जरूर बॉटम डाउन होगा, तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, डेफिनेटली आएगी क्योंकि हम कपड़े क्लीन कर रहे हैं तो डर्ट वहां पर सेटल डाउन होना ही है। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिक्विड डिटर्जेंट को इतना इफेक्टिव बनाती है, हेल्दी बनाती है, जो हमारी स्किन के साथ साथ नेचर के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम नेचर को भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कॉन्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा क्योंकि इसका जो नेचुरल सोडा ऐश है, जो इसमें एक प्रोडक्ट पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, इसे ट्रैकोलाइट, जो इसमें ट्रोना करके एक प्रोडक्ट होता है जो ट्रैकोलाइट से प्राप्त किया जाता है, यानी मीठे पानी के मिनरल से प्राप्त किया जाता है, जो यूएसए में वायोमिंग वैली है वहां से लाया जाता है। उसके बाद ये जो एक तरीके का जो सोडा ऐश है ये एल्कली होता है। एल्कली का मतलब होता है वो बेस, वो क्षार जो पानी में घुल जाता है। जो मिनरल्स होते हैं वो आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सोडा ऐश कई प्रकार के ब्राइन्स यानी कि हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल केमिकल रिएक्शंस में किया जाता है। इन केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल हम करते हैं डाई बनाने में या कलरिंग एजेंट के रूप में या सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने के रूप में और फर्टिलाइजर्स में भी।
यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया गया है नेचुरल तरीके से, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड और HCl से रिएक्ट करता है और मिट्टी में एयर प्योरिफायर का काम करता है। यानी कि अब जब आप अपने पानी को, यानी कि आपने धुले हुए कपड़े को तो आपने अच्छे से धुल के डाल दिया, जो बचा हुआ पानी है उस पानी का इस्तेमाल आप अगर अपने पौधों में करते हैं तो वो एक तरीके का खाद की तरह काम करेगा, कपड़े भी खुश और आपके पौधे भी खुश। दूसरा इसमें है जो प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, यानी कि जब भी हम अपने इन प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स की बात करते हैं तो ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और इनका जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनके इंग्रेडिएंट हैं, सबसे पहले तो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है सेपाइंडस, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट है। कोकोनट और जो कॉर्न होता है और शुगर केन होता है उन सभी को ये ग्रैन्यूलेट करके बनाया जाता है, MSE2 पार्टिकल टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू बनाया जाता है, और ये जो टेक्नोलॉजी है एक तरीके की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग है जो किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट को कन्वर्ट करने में बनाया जाता है, यानी कि पाउडर फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पानी में कई गुना बढ़ जाती है और आराम से आप किसी भी गंदगी को पानी में आराम से सॉल्व कर सकते। कपड़ों को अगर आप सूखे कपड़ों को रगड़ के गंदगी हटाने की कोशिश करते हैं मुश्किल होता है, बट उसी कपड़े को अगर आप पानी में थोड़ी देर डिप करके छोड़ देते हैं और उसके बाद उसे आप यूज करते हैं वॉश करने के लिए तो आपके कपड़े आसानी से क्लीन हो जाते हैं। यही काम करता है हमारा लिक्विड का डिटर्जेंट। इसमें पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट है जो एक शक्तिशाली फाइटोनसाइड है। फाइटोनसाइड का मतलब होता है कि ये एक एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल है। सारे केमिकल्स जो इसके होते हैं वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं जो पेड़ पौधों से ही प्राप्त हैं, यानी कि नेचुरल है हमारा ये लिक्विड डिटर्जेंट। पौधों को डिजीज से लड़ने में इफेक्टिव बनाता है, कारगर बनाता है, और हमारी स्किन में ये एनके सेल्स यानी जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं इनको एक्टिव करने का काम करता है। ये जो एनके सेल्स होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं, ये हमारे स्किन में ट्यूमर्स हो गए या किसी भी तरह के वायरल एक्सपोजर्स को बनाने का काम करती हैं। समटाइम्स कैंसर सेल्स का भी फॉर्मेशन इन्हीं एनके सेल्स की तौर पे होता है। तो अब आप ये समझिए कि अगर आपने कपड़े एटमी के डिटर्जेंट से धुले हुए हैं तो यहाँ पर कई गुना आपकी जो बीमार होने की, यानी कि आपकी जो डिजीज से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कपड़े आपने पहने हैं उसमें वो फाइटोनसाइड्स हैं जो उन बाहरी यानी एक्सटर्नल बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करेंगे, तो स्किन पे भी काफी अच्छा इफेक्ट इसका पड़ेगा। दिन भर क्योंकि ये माइक्रोब से लड़ते रहेंगे, वायरस से लड़ते रहेंगे, तो आपकी बॉडी से किसी भी तरीके की बैड स्मेल या ओडर, या अब आप कह सकते हैं कि जिनकी पसीने की थोड़ी बहुत बदबू होती है वो बिल्कुल भी खत्म हो जानी है। जिनकी बहुत ज्यादा स्मेलिंग प्रॉब्लम है उनके लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो किसी दूसरी पर्टिकुलर समस्याओं के कारण होती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो ओडर और बैड स्मेल की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जानी है। जो इसमें बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल डर्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए है, चमकदार, ब्राइटन और स्मेल फ्री बनाने के लिए है। इम्पैक्टोजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स उन बैड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और मदद करते हैं हमारे कपड़ों से हटाने में। धूप ना लगने के कारण जो अक्सर कपड़े थोड़े से आप देखते होंगे कि जिन्हें हम कहते हैं गुमसाया सा स्मेल आने लगती है, अजीब टाइप की उमस वाली स्मेल आती है, वो नहीं होगी। अब आपके कपड़े चाहे धूप में सूख रहे हैं तो वैसे भी बैक्टीरियल फ्री हो जाते हैं, बट जिन लोगों के यहाँ धूप की समस्या होती है वो नहीं आती है, तो कपड़े में वो स्मेल भी अब नहीं रही। अब आपके कपड़े धूप में भी सूखेंगे और फिर भी बैक्टीरिया और वायरस फ्री होके रहेंगे। किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट या डिटर्जेंट का जब हम चुनाव करते हैं तो हमें 7 ऐसे प्रोडक्ट देखने होते हैं, 7 ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं जो उस लिक्विड डिटर्जेंट या जो भी डिटर्जेंट है उसको हार्मफुल बना सकता है। अब ये कौन से 7 लिक्विड डिटर्जेंट्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे एटॉमी में नहीं है उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपका लाइटन करूंगी। सबसे पहले तो हमारा जो एटॉमी का लिक्विड डिटर्जेंट है वो जियोलाइट फ्री है। जियोलाइट का मतलब होता है कि ये एक तरीके के किसी भी हार्मफुल एलिमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो गया, चाहे वो सोडियम कंपाउंड हो गए, चाहे वो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बैरियम हो गया, जो कहीं ना कहीं स्किन में कैंसर को प्रमोट करते हैं।
साथ ही फ्लोरिसन व्हाइटनिंग एजेंट, किसी भी तरह का एक्सटर्नल व्हाइटनिंग एजेंट नहीं है यहाँ पर, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई फॉस्फेट नहीं है, क्लोरीन नहीं है, कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं है। एक क्विलेया एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो इसके इस्तेमाल से अगर आप इसको जब यूज करते हैं तो आप जो फोमिंग एजेंट देखते होंगे जिसकी वजह से वो झाग बनता है वो इसमें पाया जाता है। सोप बेरी वॉट एक्सट्रैक्ट होता है जो हमारे कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन दे। एटॉमिक लिक्विड डिटर्जेंट की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी विशेषता। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम अपने हेयर एंड केयर के बारे में बात करेंगे। उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको हम लेकर के बात करेंगे उसमें है हमारा स्कैल्प केयर का सेट और टैनमोडाइन हेयर टॉनिक, साथ ही हेयर एसेंशियल ऑयल। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्कैल्प केयर सेट के लिए कि स्कैल्प केयर सेट का जो इस्तेमाल है, स्कैल्प केयर सेट का जो इस्तेमाल है वो सेट में अगर हम इसको देखते हैं तो ये दो के सेट में आता है, एक शैम्पू होता है इसका और एक कंडीशनर होता है। पॉइंट वैल्यू उस पर आपको 12,600 का मिल रहा है और साथ ही जो इसका हमारा पॉइंट वैल्यू है, डीपी प्राइस जो है वो डीपी प्राइस हमारा यहाँ पे आता है लगभग 2372 रुपए का जीएसटी के साथ। अब बालों को अगर हमारी प्रॉब्लम स्कैल्प से रिलेटेड है, यानी कि जड़ों में वीकनेस है या एलर्जी है या बहुत ही ज्यादा कुछ एक्सटर्नल फंगल या बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से हमारे बालों की जड़ों कमजोर हो रही है, ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इस स्कैल्प केयर को सजेस्ट करते हैं। फीमेल्स में जब भी हम शैम्पू करते हैं तो उसके बाद उस बालों की जो फ्रिजनेस होती है उसको कम करने के लिए, बालों की ड्राइनेस को कम करने के लिए, रफनेस को कम करने के लिए हम साथ ही एडिशनल कंडीशनर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपकी एक साथ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो जो शैम्पू है इसका वो आपका एक तरीके का नीम, आर्निका और शिकाकाई का कॉम्बिनेशन है। नीम नॉर्मली हम लोग सभी जानते हैं कि मेडिसिनल प्लांट होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, जो हेयर ग्रोथ में उसकी जो फॉलिकल्स होते हैं, जड़ें जो होती हैं उसको मजबूत करता है। साथ ही जो आर्निका होता है, हम लोग नॉर्मली आर्निका ऑयल का इस्तेमाल भी करते थे, उस आर्निका ऑयल का इस्तेमाल करने से जो सीबम होता है, जो हेयर फॉलिकल्स का जो टॉप रूट होता है वहां पे सीबम से जो एक्स्ट्रा ऑयल हटाने का मदद करता है, जिससे कि जो डैंड्रफ का फॉर्मेशन बहुत ही एक्सेसिव कंडीशन में होता है वो हटाने में मदद करता है। साथ ही शिकाकाई का इस्तेमाल होता है, शिकाकाई जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन ए, सी, डी, ई और के पाया जाता है। इस शिकाकाई के इस्तेमाल के लिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसके छाल का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाल की ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है क्योंकि ये स्कैल्प के एरिया को साफ करने में मदद करता है। और जाहिर सी बात है जब स्कैल्प एरिया साफ रहेगा तो ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। जो इसका कंडीशनर है उसमें हिना है, यानी मेहंदी है, एवोकेडो है, बायोटीन है। जो ये हिना होता है ये हेयरफॉल को कम करने में मदद करता है और स्कैल्प पे असर दिखा करके इसकी फॉलिकल्स को ग्रोथ करने में मदद करता है, साथ ही कंडीशनर का काम भी करता है। एवोकेडो ग्रीन कलर का एक फ्रूट होता है, आप लोगों में से देखा होगा किसी ने, वो ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, अंदर एक ब्राउन कलर का उसका सीड होता है। ये बहुत ही ज्यादा बायोटीन सोर्स इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है, जो पतले बालों की समस्या होती है उसको कम करता है। यानी कि अब जिनके बाल बहुत पतले भी थे उनके भी बाल अब डेंस होने की पूरी पूरी संभावना, ग्रोथ में हेल्प मिलती है क्योंकि हेयर क्वालिटी मेंटेन होती है, हेयर थिकनेस मेंटेन होती है, स्कैल्प इम्प्रूव होता है, तो रीग्रोथ भी आसानी से करने में मदद करता है। इसको प्राप्त करने के लिए बीन्स, कॉलीफ्लावर, नट्स, ऑयस्टर, होलग्रेन, ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारे स्कैल्प केयर का सेट। और इस स्कैल्प केयर के सेट को इफेक्टिव बनाने के लिए, इसके काम को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है हमारा सैंगमोडाइन का हेयर टॉनिक। तो चलते हैं हमारे सैंगमोडाइन के हेयर टॉनिक की बात हम करते हैं। सैंगमोडाइन का हेयर टॉनिक जो है इसमें स्कैल्प एरिया, क्योंकि जिन भी लोगों को समस्या है बाल्डनेस की, यानी गंजेपन की समस्या है, उन लोगों को जब भी हम सजेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं स्कैल्प केयर का सेट या
डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो वहां पर हम स्कैल्पियर का शैम्पू के साथ सैंगोडेंट टॉनिक को करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्कैल्पियर का जो शैम्पू और जो कंडीशनर है वो क्या काम करता है। अब ये इस सैंगोडेंट टॉनिक को, जो कि हेयर की रीग्रोथ के लिए हमारा बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, इसको और असरदार बनाता है। तो अब ये सैंगोडेंट टॉनिक जो है, ये हमारी हेयर को, जो हेयर की एफिकेसी हुए एयर प्रोटेक्शन को, उसको बनाने में मदद करता है, रूट एक्टिवेट करता है, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया होती है उसको कम करता है, और स्कैल्प की ग्रोथ करने में मदद करता है। इसमें एस्पेरेगस है, जो जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है, और साथ ही उसको अंदर से ग्रोथ करने में, इनहेंसमेंट में मदद करता है। डिस्टेम्बर रूट एक्सट्रैक्ट मैम है, थोड़ा ये सा एक डिस्टर्ब हो रहा है तरीके आवाज। से बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन को होने से रोकता है। मोरस ठीक अल्बा बाग, जिसे हम शहतूत भी कहते हैं हिंदी में, उस शहतूत की जो छाल होती है उसका इस्तेमाल है, वो बहुत ही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यही एक मेन प्रोडक्ट है जो इस हेयर की रीग्रोथ को करने से मदद करता है और हेयर लॉस को होने से रोकता है। यानी कि अब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो समस्या खत्म हो जानी है, और अगर आपके बालों की समस्या ही ऑलरेडी पहले से ही खत्म है, यानी कि आप गंजेपन के शिकार हैं, तो वो प्रॉब्लम भी अब आपकी खत्म हो जानी है, क्योंकि अब ये जो हमारा एटॉमिका मिरेकुलस प्रोडक्ट आया है, ये आपके उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही आया है। स्वर्टिया जापानिका, इसकी मदद से बालों की जड़ें मजबूत होंगी, हेयर फॉलिकल मजबूत होंगे, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बैलेंस होता है। यानी कि सैग्मोडेंट टॉनिक, ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमारा जो एटमी का जो भी प्रोडक्ट है वो स्किन केयर से रिलेटेड है या हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो टारगेटेड एरिया से बे है, वो हमेशा सिस्टम पे काम कर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम कहते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी करने के शिखा मैम थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। लिए मजबूर करता है। जो भी प्रोडक्ट हैं वो आपको शिखा मैम आवाज बहुत हंड्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार परसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। देर से या जल्दी ये डिपेंड करता है आपके बॉडी पे, एडेप्टेशन पे और टेम्परेचर, कि बॉडी उस चीज को कितनी जल्दी देखा मैम थोड़ा आवाज डिस्टर्ब, देखा ग्रैप मैम आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। प्रोडक्ट देखा मैम आवाज जा रही है पूरे मेरी। देखा विश्वास के साथ यूज करना है एक्सपीरियंस करना है, और दूसरे मैम आवाज बहुत डिस्टर्ब कर को रही है भी करना आपकी। है। वो है शिखा मैम आवाज जा रही है। हेलो हमारा एटॉमिक हेयर शैम्पू है, उसके सम सुशील सर, आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। इसके पहले करीब 2 मिनट तक आवाज आपका क्लियर नहीं आया था। तो सैंगमोडियन का नहीं आ रही आखिरी है? पार्ट, हाँ सेंग मुडन का आखिरी पार्ट आप फिर से बोल दें। ठीक है मैम। हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो सर, आवाज आ रही है? अब अभी आ भी रही नहीं आ है, रही सुशील सर? अब आ रही है। तो हेयर रीग्रोथ की जो प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है मैम, आ रही है सर अब आ अभी? रही है, अब आ रही है। नहीं आ रही है, सॉरी सॉरी सेलमोंडा सॉरी सॉरी। शिखा मैम फिर आपकी आवाज डिस्टर्ब है, शिखा मैम फिर आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है। शिखा मैम आपकी आवाज जरा भी नहीं आ रही है ठीक से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शिखा मैम आप सुन पा रही हैं? नेटवर्क डिस्टर्ब है मैम की तरफ, लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गई है, वो कुछ देर में कनेक्ट हो जाएंगी, तब तक वो वेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैम क्या नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है। और अभी वो बालकनी में बैठ के, बल्कि बालकनी में भी ऐसे कॉर्नर में बैठी हुई है जहाँ से नेटवर्क काम कर पाए। तो जैसे ही शिखा मैम आएंगी वो कंडेस करेंगी हम लोग। शिखा मैम जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ मैम, सर अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मैम। सैंग मॉडर्न का आखिरी पार्ट से शुरू करें मैम। ठीक है सर, आवाज जैसे ही मैं डिस्टर्ब होगी प्लीज सर बताइएगा। वैसे बता रहा था लेकिन सर आपकी तो आवाज जा नहीं रही थी शायद, तो सैंग जी मॉडर्न जी पे आते हैं मैम। हाँ, सैंगमोडर्न का मैंने आप लोगों को बताया कि सैंगमोडर्न की एफिकेसी को बनाने के लिए स्कैल्प केयर शैम्पू का हम इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जिन लोगों को बालों की झड़ने की बहुत ज्यादा समस्या है, या जिनके स्कैल्प पे बाल हैं ही नहीं, जिसे हम बाल्डनेस या गंजापन कहते हैं। उन लोगों के लिए ये एक जादुई प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों का सैंगमोडर्न टॉनिक दिखा रहा है अपना असर। बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं ग्रुप में, जो हमारे किसी भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं है, हमारे खुद के, हमारे बीच के हमारे टीम मेंबर्स हैं जो उसके इस्तेमाल को करके फिर हमें अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। तो उसमें इसका जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसका नीडियम ऑफिशनेल रूट का इस्तेमाल है इसमें, जिसके इस्तेमाल से इसके सारे जितने भी प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्ट होते, चाहे वो एस्पेरेगस हो गया, विक्टेमस हो गया, मॉरस हो गया, स्वेटिका हो गया, इन सारे प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्ट को एक्टिवेट करने का काम करता है। और जब एक्टिवेशन का काम होता है तो सभी प्रोडक्ट एक्टिवली अपना काम करते हैं, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रीजेनरेशन का काम करता है, रिवाइटलाइजेशन का काम करता है। यानी कि हमारा जो सैंगमोडर्न हेयर टॉनिक है, ये एक तरह से कहा जाए तो गंजेपन के शिकार हुए लोगों के लिए वरदान है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी नॉर्मल हेयर प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम आमतौर पर रूसी कहते हैं, जो हर मौसम में बढ़ जाती है, हेयर फॉल की समस्या, अक्सर मौसम बदलने पर हेयर फॉल की समस्या हो जाती है, बाल टूटने लगते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के निराकरण के लिए हमारा जो नॉर्मल हर्बल हेयर शैम्पू है, उसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि क्लींजिंग के लिए हम करते हैं, हेयर टेक्सचर को सही करने के लिए करते हैं, बालों के झड़ने की समस्या में इसका काम करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एस्पेरेगस होता है, जो कैल्शियम, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, एक्लिप्टा होता है जिसे हम भृंगराज कहते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को मदद करता है, रिवाइटलाइज करने में मदद करता है, क्रिजैंथेमम होता है जो हेयर ग्रोथ को करने की मदद करता है, हेयर लॉस को रोकने में मदद करता है। यानी कि मैंने आप लोगों को अभी ये भी बताया था कि हमारा जो भी एटोमी का प्रोडक्ट है, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो या स्किन से रिलेटेड, या कोई भी हमारा एटोमी का जो प्रोडक्ट है, बेसिकली हमारी बॉडी पे जो हम यूज करते हैं, वो सभी प्रोडक्ट पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया के लिए नहीं है, वो सिस्टम बेस्ड एरिया के लिए है। यानी कि उस वो प्रॉब्लम को खत्म करने में मदद करते हैं जिस वजह से वो आपकी प्रॉब्लम हो रही है। तो सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जब भी हम अपने एटमी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं या हम खुद भी यूज करते हैं, तो पेशेंस, ट्रस्ट और एक कौन टाइप एक जैसा नहीं होता है, तो हम किसी को भी ये शर्त या प्रोडक्ट ना प्रोवाइड करें कि आपको 10 दिन में या 2 दिन में या 15 दिन में आराम मिलेगा। आप उनको ये जरूर बताएं कि उनको आराम जरूर मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। डिपेंड करता है
कि वो कितने भरोसे के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्किन टाइप कैसी है, उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा है, अडेप्टेशन कैसा है, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी एक्सटर्नल चीज को तुरंत अडाप्ट नहीं करती है, तो इन चीजों का हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो सुशील सर, इसके बाद एक लास्ट जो प्रोडक्ट है हम लोगों का, वो है हमारा हर्बल बॉडी क्रिंजर, जो तो हर्बल हेयर सेट के साथ ही है। उस पर भी मैं छोटा सा आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अब क्योंकि जाड़े का दिन खत्म होने वाला है, तो अब मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा नहाने का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दो दो बार भी नहाने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें मैं छोटा सा हमारा जो प्रोडक्ट है एटॉमिका हर्बल बॉडी क्लींजर का भी नाम जरूर इंट्रोड्यूस करूंगी। ये बहुत ही अच्छा बॉडी क्लींजर है, जब आप इसको स्किन पे यूज करते हैं एक स्मूदनेस प्रोवाइड करता है, स्किन की जो नमी होती है उसको बरकरार करने में मदद करता है। साथ ही अक्सर जो मैंने आपको जब हम बात कर रहे थे बॉडी लोशन की, तब मैंने आपको बताया था कि उसमें आपका जो एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है वहां पर हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी क्लींजर में भी ये कैपेबिलिटी है कि अब अगर आप इसको अपने साबुन से रिप्लेस करते हैं तो ये आपकी बहुत सारी स्किन की जो सीजनल प्रॉब्लम होती है अक्सर धूप से लौटने के बाद जो होती है उसमें मदद करने कम करने में मदद करेगा। इसमें लैवेंडर होता है, रोजमेरी जो मैंने आपको बताया था बॉडी लोशन में, वो रोजमेरी हमारे बॉडी क्लींजर में भी है जो एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। फेनल है, सौंफ है, नटेला है, जिंसेंग एक्सट्रैक्ट है, जो बेहतरीन ओवरऑल इन सारी कॉम्प्लेक्शंस को बूस्टर का काम करता है, डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है, मिनरल्स से भरपूर है। और साथ ही एंथेरिस एक्सट्रैक्ट एक फ्लावर है जो एक ऐसा हर्ब है जो एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से भरपूर होता है और सनबर्न से भी मुक्ति दिलाता है। यानी कि अब आप सब ये सोच सकते हैं कि अब अगर आप अपने एटमी को यूज कर रहे हैं, आपने ज्वाइन किया है और आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छा कंज्यूमर बनके यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर ग्लो करेंगे और आपकी जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगी। यानी कि लर्निंग भी है, अर्निंग भी है, साथ ही साथ हेल्प भी है और ग्लोइंग भी है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए दो तरीके हैं, जो हासिल है उसी में खुश रहें या जो पसंद है उसे हासिल करें। ज्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं कि वो दूसरों की बात पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो खुद पर भरोसा रखें, स्माइल करें और एक स्माइल कंज्यूमर की तरह एटॉमिका यूज करें। थैंक यू सुशील सर। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने सेशन को वाइंड करने से पहले अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो यहाँ पर दो तीन कॉम्बो पैक्स अगर हम बताते, जैसे ये इन प्रोडक्ट्स का हमने नाम लिया है, तो जो भी हमारे बिगिनर्स हैं जिन लोगों को बिजनेस को डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर हम अपनी तरीके से थोड़ा सा अपना कुछ सजेशन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से कम प्रोडक्ट के या कम इकोनॉमिक कंडीशन में भी हम जा करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को परचेजिंग करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, कंज्यूमर बना सकते हैं और उन्हें भी बना सकते हैं कि वो किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स का अगर कॉम्बो पैक भी यूज करते हैं तो बिजनेस अर्निंग के साथ आप जल्दी अर्ली इनकम जिसको हम कहते हैं कम लोगों में ही यानी लिमिटेड लोगों में भी आप अर्ली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़े से कॉम्बो की अगर बात करते हैं, तो पहला जो कॉम्बो है हमारा वो है स्कैल्प केयर सेट, सनस्क्रीन और लिक्विड डिटर्जेंट। स्कैल्प केयर सेट अभी पिक्चर आप लोगों को शो करी गई थी, जिसका अगर ओवरऑल कैलकुलेशन अगर मैं आप लोग को सिंपली बताऊं, इसका पिक्चर मैं कल आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। स्कैल्प केयर सेट का जो पॉइंट वैल्यू है वो 12,600 का है, जो सनस्क्रीन है उसका पॉइंट वैल्यू 3500 का है और लिक्विड डिटर्जेंट का पॉइंट वैल्यू 5700 का है। यानी कि अगर हम इसको एग्रीगेट करके देखते हैं तो 21,800 पॉइंट वैल्यू बनता है सिर्फ इन तीन अच्छे प्रोडक्ट से जो नीड है हमारी आज की डेट में समर सीजन के हिसाब से। और डीपी के अकॉर्डिंग अगर हम इसे काउंट करें तो 1372 रुपए का स्कैल्प केयर सेट पड़ेगा, सनस्क्रीन पड़ेगा 756 रुपए जीएसटी के साथ, लिक्विड डिटर्जेंट पड़ता है 1121 जीएसटी के साथ, और टोटल अगर हम इसका डीपी प्राइस देखते हैं तो बनता है हमारा 4249 रुपए, यानी मिनिमम 4300 रुपए। यानी कि 4300 की खर्च पे आप 21,800 पॉइंट वैल्यू अर्न कर सकते हैं, जो कि आराम से किया जाएगा क्योंकि किसी को भी हेयर प्रॉब्लम होनी ही है, सब लोग आज इसको फेस कर रहे हैं, धूप निकल रही है, बाहर एक्सपोजर जाना ही है, सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, बाहर जाना है, लौट के आना है तो कपड़े धुलने ही हैं, तो लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा कॉम्बो पैक बनता है वो होता है बॉडी लोशन का,
लिक्विड डिटर्जेंट का और सनस्क्रीन का। अगर हमें लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकता है तो वहां पर ये कॉम्बो पैक भी हम सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। बॉडी लोशन 4500 का है, लिक्विड डिटर्जेंट 5700 का है पॉइंट वैल्यू में, और जो सनस्क्रीन है वो 3500 पॉइंट वैल्यू की है, यानी कि लगभग 13700 पॉइंट वैल्यू बनता है हमारा। बॉडी लोशन की हमारे डीपी पड़ती है हमारी 1032 इंक्लूसिव जीएसटी, 1121 लिक्विड डिटर्जेंट का, और सनस्क्रीन का पड़ता है 756 रुपए। यानी कि हम इसको एग्रीगेट करते हैं तो डीपी प्राइस पे हमारा पड़ता है 2909 रुपए, यानी कि लगभग 3000 से भी कम में आपका बिजनेस बनता है और 13700 पॉइंट वैल्यू भी मिलते हैं, जो आपको सामने वाले को बिजनेस को इंक्रीज करने में बताने में आसानी होगी। थर्ड जो हमारा कॉम्बो बनता है वो सिर्फ हेयर केयर के प्रोडक्ट से बन सकता है। जैसे अगर आप किसी बालों की समस्या वाले प्रोडक्ट के लिए लोगों को कहते हैं तो सैंगमोडेन कहेंगे आप यूज करने, उस सैंगमोडेन की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए आप स्कैल्प केयर सेट सजेस्ट करते हैं। साथ ही क्योंकि अब आपके बालों में मॉइस्चर भी बननी है तो आप वहां पर उसको हेयर एसेंशियल सेट भी सजेस्ट करते हैं। यानी कि इन तीनों को अगर हम कॉइन करते हैं तो 5700 रुपए सैंगमोडेन का पॉइंट वैल्यू है, 5800 रुपए हेयर एसेंशियल का पॉइंट वैल्यू है, स्कैल्प केयर का पॉइंट वैल्यू है 12600। यानी कि ओवरऑल जब हम देखते हैं तो 24100 पॉइंट वैल्यू इसका बनता है, जिसे अगर हम डीपी प्राइस पर काउंट करें तो 1062 रुपए सैंगमोडेन के लिए, 1050 रुपए हेयर एसेंशियल ऑयल के लिए, और स्कैल्प केयर सेट बनता है हमारा 2372 रुपए का। यानी कि डीपी पे आपका पड़ता है 4484 रुपए, यानी लगभग 4500 रुपए के खर्चे पे आपका 24100 की पॉइंट वैल्यू बनती है, और 4500 की परचेजिंग पे आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्री ऑफ डिलीवरी कॉस्ट भी हो जाता है। तो इन चीजों का भी हम ध्यान रख के सामने वाले को अप्रोच कर सकते हैं कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बो है वो है बॉडी लोशन का, जिसमें पॉइंट वैल्यू है 4500 का, सनस्क्रीन है 3500 पॉइंट वैल्यू का, हर्बल हेयर शैम्पू 6000 पॉइंट वैल्यू का, हर्बल कंडीशनर जो है वो 6500 पॉइंट वैल्यू का है, और एसेंशियल ऑयल है हमारा 5800 यानी 5800 के पॉइंट वैल्यू का। एग्रीगेट करके हम देखते हैं तो 26300 पॉइंट वैल्यू इसके बनते हैं। एमआरपी पे अगर हम इसको देखें तो 1032 बॉडी लोशन का, 756 सनस्क्रीन का, हर्बल हेयर शैम्पू 1003 का, कंडीशनर 1156 रुपए का, और एयर ऑयल जो है 1050 रुपए का, यानी कि लगभग 4997 यानी लगभग 5000 तक की परचेजिंग पे आपका 26300 पॉइंट वैल्यू बनता है। इन चीजों का अगर हम कॉम्बो पैक भी अपने पास बना करके सामने वाले को अप्रोच करने के लिए रखते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत ही कम लोगों के बीच में, जिन लोगों को ये समस्या है कि अभी हमारी टीम सिर्फ 50 या 100 लोगों की है तो हमारा बिजनेस कैसे बनेगा, तो उनके लिए ये कॉम्बो पैक ऑफर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉम्बो है हमारा हेयर एंड बॉडी सेट और बॉडी लोशन का, जस्ट बिकॉज कि अब गर्मियों का दिन है, ये प्रॉब्लम्स लोगों में आनी ही है, तो आप इस बॉडी सेट के और बॉडी लोशन के कॉम्बो पैक को भी अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो आराम से आपका 23600 का पॉइंट वैल्यू बनेगा। क्योंकि हेयर एंड बॉडी सेट जो अपने आप में कंप्लीट एक बॉडी सेट है, जिसमें आपका हर्बल हेयर शैम्पू, सैंगमोडेन टॉनिक और हर्बल बॉडी क्लींजर और साथ ही साथ हर्बल हेयर ट्रीटमेंट आता है, और एक हेयर कॉम्ब आती है जिसका पॉइंट वैल्यू बनता है 19100 का, और डीपी प्राइस बनती है उसकी 2517 रुपए की। साथ ही आपका बॉडी लोशन 4500 पॉइंट वैल्यू के साथ 1032 रुपए का हमें इंक्लूडेड जीएसटी पड़ता है, जिसमें पॉइंट वैल्यू अगर हम टोटल एग्रीगेट करते हैं तो 23600 पॉइंट वैल्यू बनते हैं, और प्राइस वैल्यू अगर हम इसकी काउंट करते हैं तो वहां पर आपका 4549 रुपए यानी कि लगभग 4550 के करीब बनता है। यानी कि ये स्मॉल कॉम्बो पैक को भी अगर हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग लोगों को देने की भी कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि आप उससे कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी नीड है तो वो उसे एज ए कंज्यूमर जरूर लेगा। तो धन्यवाद सभी लोगों को। सुशील सर, ओवर टू यू, आपका। थैंक यू, थैंक यू शिखा मैम, वाकई जबरदस्त रहा। शिखा मैम की बातों में थोड़ा सा ऐड करते हैं हम, आखिर मैम कॉम्बो पैक का चर्चा क्यों की? देखिए, बहुत लोग का होता है, एक प्रश्न आता है कि मिनिमम कितने लोग परचेज करें कि हम लोग का मैचिंग अमाउंट होने लगे। तो मैम जो बताई कॉम्बो पैक के बारे में,
उसमें आपने देखा कि दो तीन प्रोडक्ट को कॉम्बो में लेने पे बढ़िया पॉइंट मिल रहा है, 30,000, 25,000, 35,000 पॉइंट आ रहा है, यानी कि आपके राइट और लेफ्ट में 12-13 लोग राइट में और 12-13-14 लोग लेफ्ट में आ जा रहे हैं और ये लोग कॉम्बो पैक को ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका 3 लाख 3 लाख पॉइंट का भी मैचिंग हो जाएगा। और आपके टीम में किसी का मैचिंग एक बार हो गया तो वो खुद मोटिवेट हो जाएगा कि आगे और मैचिंग कराए, तो कॉम्बो पैक से ये फायदा होता है। दूसरा कॉम्बो पैक का फायदा क्या होता है कि कॉम्बो का मतलब ही हुआ कि हर एक दूसरा तीसरा प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, और जैसा सीखा मैम ने बताया कि जो सीजन अब आ रहा है उसमें ये सब लेने की बहुत आवश्यकता है। तो थैंक यू सीखा मैम, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा रहा। और जो हमारे इस 8:30 का मीटिंग का रूल है कि आपका कोई भी विचार जो सीखा मैम के लिए आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें, और अभी हम लोग हैंडल करेंगे भिन्न सर के शब्दों में कि आपने आज क्या सीखा, या कोई प्रश्न है सीखा मैम से तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी जो भी आपकी फीलिंग है सर, चैट बॉक्स में परम मैम ने कुछ लिखा है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। मैं उनको अनम्यूट ही कर दे रहा हूँ, वो बोल भी है। परम मैम आप अनम्यूट हैं? परम मैम हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो शिखा जी, हेलो मैम, बहुत अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन, अमेजिंग, सीरियसली वर्ड नहीं है, आप फैन तो मैं आपकी हूँ, बहुत अच्छा था। आप जो आपने कॉम्बो पैक का बताया उसी के बारे में कहूंगी मैं, वो भी कहना चाहती थी, पर आपने कहा बहुत अच्छा रहा और पॉइंट्स के साथ कहा। जैसे आज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो होली आने वाली है, तो आप उसके लिए एक प्रमोशन बना के यूज कर सकते हैं कि कॉम्बो पैक की पिक्चर्स बना के, कि होली पे काफी लोगों को रंगों से एलर्जी होती है तो दूसरे दिन फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि वो सन प्रोटेक्शन लगा के निकले, बॉडी लोशन लगा के निकले, बालों को हेयर शैम्पू वगैरह से धोएं और बाद में उनके कपड़ों पे जो रंग लग गए वो भी इजीली से निकले। तो होली के लिए अभी से स्टेटस फेसबुक पे आप प्रमोशन कर सकते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स की। सो ये मेरा एक आइडिया है, इफ किसी को भी अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आइडिया है और हम लोग भी इस पे थोड़ा सा सोच रहे थे, बट आपने जिस तरीके से बताया है तो वो काफी इफेक्टिव भी रहेगा और डेफिनेटली बहुत सारे लोग होली के कलर्स से बचते हैं क्योंकि आजकल प्योर कलर्स नहीं आते हैं जी, तो जी। वहां पर ये प्रमोशन बहुत जरूरी भी हो जाता है और डेफिनेटली लोग इस चीज को फेयरली लेना भी चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू मैम। भीष्म सर आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर। भीष्म सर प्लीज हैंड रेज करें। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ सर, प्लीज। चलिए जिन्हें भी लगता है कि उन्होंने कुछ आज सीखा तो प्लीज, या कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज करें, हम लोग सेशन को। हाँ सर प्लीज, सर सर आगे। एक मिनट सर, एक मिनट जी। आई एम ऑडिबल, मैं, मेरी आवाज आ रही है? वेरी क्लियर सर, प्लीज। थैंक यू सिखा मैम। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन उससे कहीं ज्यादा, एंड होपफुली सभी को जो कॉम्बिनेशन बताया मैम ने लास्ट में और जो इन्फॉर्मेशन थी, डीप इन्फॉर्मेशन, वी वर टॉकिंग पूनम एंड आई वॉज टॉकिंग कि इस तरीके का यदि डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो नन अदर देन सिखा वर्मा जी। एंड रियली यू नो सो नाइस ऑफ लिसनिंग यू, एंड मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी लोगों ने अटेंड किया है आज का सेशन वो डेफिनेटली इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम्स में यू नो प्रमोट करेंगे और इस यू नो प्रेपरेशन का फायदा उठाएंगे। वी वर टॉकिंग टू सिखा मैम की मतलब थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन करेंगे हम लोग, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो शी सेड कि सर मैं दिस मतलब इसको मैं होमवर्क की तरह लेती हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी इस प्रेपरेशन को जाया नहीं होने देंगे
और अपनी टीम्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग को यदि हम लोग 5 से 10 बार कम से कम नहीं सुनेंगे तो मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये माइंड की कैपेसिटी बहुत कम होती है, मेमोरी वो कम रखती है, या ज़्यादा बार बार इसको सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस वंडरफुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सर, इट्स माई प्लेजर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम इस 500 के सेशन को ज्वाइन करके मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम, कैरी ऑन सुशील जी, कैरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रोहित महेश जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है, आप अपने प्रश्न करें। यस सर, बहुत सारे मेरी एकदम क्लियर सर, प्लीज बोले। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, मेरा नाम महेश रोहित है जी। आज ने जो मैडम ने सीखा, मैडम ने जो भी प्रोडक्ट का मैसेज दिया बहुत बढ़िया तरीके दिया है जी। लेकिन इसमें मेरे को एक नया चीज ऐसा लगा जो कॉम्बो वाला जो मैडम ने बोला ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि हर आदमी को, हर लीडर को ज्यादा से ज्यादा टीवी बनाना है तो अपने ऑटो में जितना भी जितने ऐसे एक और प्रोडक्ट है इसमें ज्यादा पीवी वाला जो भी प्रोडक्ट है हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि तभी तो अपना 3 लाख पीवी मैच हो सकता है। और थैंक यू सर, वही है सर। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच सर। मनीष जी, आप अनम्यूट हैं। मनीष जी जी बोले। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को। मैं मैम से पूछना चाहता था, मैं ये जो आपने बोला सनस्क्रीन SPF है, मैम हम लोग के लिए कौन सा इफेक्टिव होगा मेल के लिए? मैं चाहता हूँ मनीष गोरे होना चाहते हैं आप? नहीं सर, लेकिन आप बहुत सुंदर ऐसे ही। हाँ मैम बताइए प्लीज। मनीष जी, सनस्क्रीन किसी, मैंने अगर आपने सेशन पूरा ध्यान से सुना था तो सनस्क्रीन मैंने बोला था कि ये हर किसी के लिए है, 6 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए। नहीं मैम, लेकिन दोनों में से इफेक्टिव कौन होगा? मैं जो वाइट और बीज, आपके वाइट और बीज है तो आपकी स्किन कैसी है? ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, या ड्राई या नॉर्मल है? नॉर्मल स्किन है मैम। तो सर बीज वाला आप ट्राई करेंगे? थैंक यू मैम। हाँ बीज। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, जब भी हम अपने अटॉर्नी के किसी भी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम अगर यूज करें, जो हम लोग यूजर हैं अच्छे, वो हमें पता है कि हमारी क्वांटिटी कितनी लगती है, बट जो नए यूजर्स हैं हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि इनिशियली किसी भी प्रोडक्ट को हम एक सरसों के दाने के बराबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है हम कंपैरेटिव अदर प्रोडक्ट जब इसे यूज करते हैं तो ये काफी स्किन पे ओवरलैपिंग की तरह लगने लगे। तो बिल्कुल छोटे से एक पार्ट से इस्तेमाल करके फिर आपको लगता है कि और नीड है, तब हम दूसरा वहां पर जो प्रोपोर्शन इस्तेमाल करें। तो ये चीज भी सब लोग ध्यान जरूर देंगे जी। सुशील सर, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू, थैंक यू मनीष जी। मैं अनम्यूट कर रहा हूं अभी बांदे गोनकर जी के, बांदे गोनकर जी, सॉरी नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम क्या हुआ सर, बताएं सर? भांडे गांवकर, मार्शल भांडे, भांडे गांवकर जी, भांडे गांवकर जी, वेलकम सर जी। महाराष्ट्र से हूँ। हाँ भांडे गांव जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बोल के वर्किंग करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है सर? प्रॉपर क्लियर सर, बहुत अच्छी आ रही है। शिखा मैडम ने ये जो अभी नॉलेज दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस नॉलेज की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खाली प्रोडक्ट देखे हैं, जानकारी नहीं है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा उन्होंने जो पैकेज दिए बताए हैं, अब हर कोई तो यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करना तो चाहता है, हमारे कोई कोई 3 लाख पीवी भी करना चाहता है, कोई 1 लाख पीवी करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है कि क्या करे, कैसे करें, कैसे परचेस करें, है ना? ये थोड़ा बहुत ये लोगों को आज प्रॉब्लम आ रहा है, आगे चल के एक दो बार तीन बार यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना? तो ये मैडम ने कॉम्बो पैक के बारे में जो बोला है बहुत बहुत बढ़िया बोला है, और उसके लिए थैंक यू सर आपका, और मैडम का भी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। समय थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी इसी का आंसर अभी भीष्म सर दे चुके थे, हम लोग सब लोग ये काम करेंगे, जितने भी लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, इस ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको जो भी विषम से बोले
कि 5 से 10 बार सुनने की आवश्यकता है। तो जब तक देखिए यही हथियार है, इसी को लेके उतरना है फील्ड में, आपको युद्ध करना है और इतने तरीके से आप बता पाएंगे। और सच में सीखा बताती है वैसा 25% भी सीख लेगी क्या क्या बोलना है मोटा मोटा बेसिक चीज, तो बहुत फायदा होगा। तो जरूर ऑडियो को सुनेंगे हम सभी। घोषाल सर प्लीज अनम्यूट हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सुशील सर, थैंक यू सर, और थैंक यू, थैंक यू मीरा मैम। पहले तो अपना इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ। मायसेल्फ एसआर घोषाल, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, सीआरपी में सर्विस कर रहा हूँ, सर्विस के साथ साथ अपना पार्ट टाइम में ऑटो भी करता हूँ। तो सर आज का जो मीरा मैम का जो मीटिंग है बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है प्रोडक्ट के बारे में। तो मैम का इससे पहले भी मैं एक दो बार सुना हूँ, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, इसलिए मैं इनका कोई भी प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है इनका यूट्यूब का चैनल भी बहुत अच्छा सुना हूँ, देखा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोडक्ट का जो कॉम्बो का पैक है इसका ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, डीपी प्राइस के साथ और पीवी के साथ, इसका जरूर इसका ग्रुप में टॉपमोस्ट लीडर ग्रुप में, हाँ ग्रुप में भेजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइम पर अभी होली आ रहा है, होली के टाइम पर कॉम्बो पैक को हम लोग सेल करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू गोपाल सर। सतीश चंद्र जी अनम्यूट हो जाए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को हमारा नमस्कार। मैं सतीश चंद्र गुप्ता इस समय बहरीन से बोल रहा हूँ। हमारे अपलाइन में संजय सर जी सूरत से और राजेश सतनामी सर ग्रेट लीडर हैं। सर मैं ये अभी जो ये आया डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट मैं यूज कर रहा हूँ सर, बहुत ही बढ़िया है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हम लिए हैं, द फेम ये सब सब यूज हो रहा है, अब सबका रिजल्ट अच्छा है। और यहाँ पर भी मैं मंगाया हूँ स्कैल्प केयर का डबल डबल सेट सर, और यहाँ पर एक आदमी आने वाले हैं घर से लेके आएंगे, आज हमारे घर पे ऑर्डर मिल गया है प्रोडक्ट, अब एक हफ्ते या 10 दिन में आएंगे तो लेके आएंगे। बहुत बढ़िया सर, पेस्ट भी 2 सेट लिए हैं। तो इसका प्रोडक्ट आज के सेशन में क्या बढ़िया लगा सर? बढ़िया जो शिखा मैम ने बताई है कि ये जो लिक्विड डिटर्जेंट यूज करने का तरीका जी, ये लिक्विड से क्या क्या फायदा है हमको, वाकई अच्छा लगा हमको। और जो उनका आवाज भी थोड़ा रुक रहा था बीच बीच में, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि हम भी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा साउंड हो रहा था। हाँ, इसीलिए शिखा मैम क्या की थी कि जहाँ से छूट रहा था वहां से दोबारा उसको रिपीट कर रही थी। और आप सही बताए कि वो कैसे कैसे फायदा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नेचर को फायदा पहुंचा रहे हैं अपने हेल्थ को, वो बहुत अच्छा पॉइंट रहा है शिखा मैम के उस प्रोडक्ट का। जी सर, इसलिए हम ऑडियो तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो थैंक यू सर, एकदम थैंक यू, थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। जयंती जी अनम्यूट हो जाए मैम। हेलो जी बोले। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। सर ऑसम प्रोडक्ट नॉलेज शिखा जी को, बहुत ही अच्छा नॉलेज है और हम लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या क्या सीखी मैम? सुशील सर इसमें पता है बहुत बढ़िया पॉइंट क्या हुआ, अभी तक हाँ। कोई भी डिटर्जेंट ऐसा नहीं था जो पौधे को जीवित रखे, पौधे को मार देता है डिटर्जेंट, सारा डिटर्जेंट पानी हम पेड़ पे नहीं डाल सकते जी। ये इतना बढ़िया एक पॉइंट है, किसी को भी हम बोलेंगे तो वो सबसे पहले तो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले हुआ है जितने भी डिटर्जेंट आई हुई है मार्केट में हर कोई बोलता बाप रे बाप डिटर्जेंट पानी पेड़ पे मत दो मर जाएगा, है ना। और ये उसको विटामिन दे रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो सर इससे और क्या हो सकता है? जयंती मैम सिर्फ पौधे को नहीं, पौधे से पहले आप लोगों के हाथों को डिस्टर्ब करता था, स्किन को करता था। वो तो है ही है, बट एक वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग क्या है कि हमारी पौधे को भी ये पौष्टिक दे रहा है, कपड़े को तो कीटनाशक कर ही रहा है बिना धूप की, तो हम बोलते हैं धूप में हमारे कपड़े होना चाहिए क्योंकि कीटनाशक के लिए, राइट। और ऐसे गांव में तो धूप आती ही है, बट सिटीज में ऐसे सारे हाउसेस ऐसे सारे जगह है जहाँ पे इतनी सी मतलब
क्या बोले, एक फिट की भी डिफरेंस में मकान है जहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और उससे स्किन डिजीज भी हो जाती है। अगर धूप नहीं पड़े कपड़े पे, उस कपड़े को हम यूज करें तो हमें स्किन डिजीज भी हो जाता है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है, उससे छुटकारा मिल गया हम लोगों को। यस यस, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। यही तो बताना है लोगों को, यही बताना है जो आप लोगों को पॉइंट अच्छा लगता है। आखिर हम क्यों पूछते हैं कि क्या पॉइंट अच्छा लगा, इसलिए कि जितना पॉइंट और लोग बताएंगे वो आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। ये आप अगले मेंबर को बताएंगे और वो मोटिवेट होंगे इसको परचेज करने के लिए। परचेज में पीवी तो सेकेंडरी है, पहले है कि फील करना इसको। जी मैम, डेफिनेटली पीवी तो सर सेल होगा, पीवी तो आ ही जाएगा, मैचिंग भी आ जाएगी, बट हमें नॉलेज चाहिए सामने वालों को बताने के लिए, मोटिवेट करने। उसे हम बताएंगे इसकी क्या क्या, तभी तो वो हमारे साथ देगा। और हमको कुछ नहीं पता, हम बेवकूफ की तरह खड़े होके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, वो सुनेगा ही नहीं। ठीक है, जान पहचान का होगा तो बैठेगा, एक कप चाय पिलाएगा। ओके, जी जी मैम, मैम जी, और लोगों को मौका दिया मैम, क्योंकि 7 मिनट में सेशन खत्म करना है। हम लोग प्लान करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग 10 बजे तक मीटिंग खत्म करने की कोशिश में हम लोग। मनीषा मैम, फटाफट से 1 मिनट में जल्दी से क्या अच्छा पॉइंट लगा आपको? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपसे बात हुई। थैंक यू सर। शिक्षा मैम ने जो बहुत अच्छे तरह से नॉलेज दिया, बहुत ही क्वालिटी ब्रांड प्रोडक्ट के बारे में जो बताया, बहुत ही बढ़िया सर। कौन सा सबसे बढ़िया लगा, कौन सी बात बहुत सीखने को मिला? अच्छी लगी। और काम्बो, काम्बो, हाँ सर, काम्बो के बाद मैंने काम्बो ही लिया है। काम्बो से शुरू किया था फेम का, उससे ज्यादा पीवी है, और काम्बो ही मैं दूसरों को काम्बो ही देती हूँ। और मैम ने बहुत ही अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। राम प्रवेश तिवारी सर, अनम्यूट का ऑप्शन है सर 30 सेकंड में। राम प्रवेश तिवारी सर अनम्यूट है आप, जी बोले। हेलो सर, शिखा मैम का जो प्रोग्राम रहा अभी, उससे हम आवाज आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर आ रही है, बहुत आवाज आ रही है आवाज। तो शिखा मैम का जो प्रोग्राम था उससे तो हम खुश हुए, लेकिन हमारी एक इच्छा है जिसको भांडेकर सर ने अथी प्रस्तुत किया है, हम इस ऑडियो को बार बार सुनना चाहते हैं, तो ये कैसे हमको मिलेगा? सर ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये ग्रुप में चला जाएगा। मीना सर कल इसको ग्रुप में डाल देंगे, हर ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको सर डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है सर, तो ये डाउनलोड कहाँ से होगा? अभी हम मोबाइल चलाना बहुत कम जानते हैं, तो सर इसको सीखना होगा सर, क्योंकि ये बिजनेस जब कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा पहला जरूरत है एंड्रॉइड मोबाइल, और सीख लेंगे सर, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आराम सीख लेंगे सर, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। आप ग्रुप में हैं तो ऑटोमेटिक ऑडियो आ जाएगा। हमारे ये हमारे अपलाइन है विकास सर, ये दरभंगा से हैं, तो उनके पास होगा? हाँ हाँ हाँ, एकदम ठीक है जी जी, तो फिर हम सर उनसे उनसे संपर्क करेंगे। थैंक यू सर, जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सरोजा सर, मिस्टर एनर्जी एक्साइटमेंट सर, आप अनम्यूट है सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सुशील सर, गुड मॉर्निंग सर। निशा मैडम को मैं कितना बार गुड मॉर्निंग बोलूं, आज इनको महाशिवरात्रि का शुभकामनाएं, ये सबको इतना सारे नॉलेज दिए है, एंड बिजनेस सबका जबरदस्त होगा। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ, मैं एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ, और मेरा अपलाइन तो बहुत सारे है, सुशील सर है, विषम सर है, प्रकाश, बहुत सारे लोग, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। सब मेरे से इससे कम है, लेकिन मैं सबसे बढ़िया से सीख रहा हूँ, आई एम बेस्ट स्टूडेंट है। आज निशा मैडम का तो जबरदस्ती ट्रेनिंग हुआ, एंड अभी कल रिकॉर्डिंग भी और सुनेंगे, और धन्यवाद। एंड मैं तो सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं कपड़ा जो हाथ से धो रहा हूँ, जब से डिटर्जेंट आया लिक्विड डिटर्जेंट,
जो अभी मैडम बताए ना पेड़ में डालना, मैं पहले से जानता था, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। मैं भी सूर्य से कोई भी पानी बाथरूम में ऐसे गिराता नहीं, वो सारे जो प्लांट है मेरा बैंगन पौधा वगैरह जो भी है उसमें मैं डालता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। धन्यवाद मैडम सर। प्लांट का भी फोटो शेयर करेंगे सर, प्लांट का भी फोटो शेयर करेंगे सर। आपका ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के लिए काम करेगा सर। थैंक यू सर। प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो कैसे होगा, प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा तब आप लोगों को बता पाएंगे। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम सर। किसी का और प्रश्न हो तो हम लोग बात करें। ये तो एकदम राइट टाइम है, 10:00, 3 मिनट बचा है हमारे पास। 3 मिनट में किन्हीं का कोई भी विचार, कोई भी सवाल, कुछ बोलना हो। विकास गौतम सर, विकास पाठक सर, आप ऐसे कोई भी हो तो प्लीज सर हैंडल कर दें, पर मैं ढूंढने को इसके अब मिल नहीं पाए सर। आप लोग शायद कुछ और नाम से भी होगा सर, प्लीज हैंडल कर देंगे। विकास गौतम सर, विकास पाठक सर, चलिए सिखा मैम, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, 2 मिनट हमारे पास है। प्लीज अब आप लास्ट नोट आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच सुशील सर। सभी लोगों को आज का सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी एटॉमी की, हम सभी लोगों के लिए। कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर एट वंस, तो डेफिनेटली वी हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद ओपन हैंड। सभी लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। हम जितना अपना पोटेंशियल है उसको, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चाहे वो प्लान से रिलेटेड नॉलेज हो, उन सारी चीजों के, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं समझेंगे अपने बिजनेस को, हम सामने वाले को कुछ भी नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम किसी भी सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे, जैसा कि हर ट्रेनिंग में हम लोगों को बताया भी जाता है, चाहे वो सर का हो, चाहे भीष्म सर का हो, या किसी भी हमारे बड़े लीडर्स का हो, टाइम बहुत जरूरी है। कभी भी किसी से बात अगर आपको करनी है और आप उससे फर्स्ट टाइम अगर बात कर रहे हैं तो प्लीज चलते चलते ना बात करें। एक क्वांटिटी टाइम अपने पास रखें, क्वालिटी टाइम उसको दें कि आपका जो उसको बताने का है इनपुट वो जरूर हो, और साथ ही उससे जो आउटपुट आपको मिलना हो वो बेहतरीन। दूसरा, हमारा ड्रेसिंग सेंस ऑलवेज मैटर, कि आप किस तरीके की वेशभूषा में किसी से मिल रहे हैं, वो शो करता है कि आप किस तरीके का अपना विचार उसके सामने प्रकट करने वाले। साथ ही अपने पास जो भी किट्स वगैरह होती हैं हम लोगों की, उसको ओपन करने से, यानी कि अगले को ट्रायल देने से कभी भी ना हिचकिचाएं कि हमारा खत्म हो जाएगा। साथ ही अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस आप जरूर रखेंगे, क्योंकि हम एटॉमी में है, हमारे जो पिलर्स हैं क्यारी और कोलमार्ट, वो एक जिसे कहा जाए स्ट्रेंथन पिलर्स है हमारे, जो हम किसी को बताएं तो एक कॉन्फिडेंस, एक ग्लो जो हो ना, वो प्रोडक्ट को लगाने से पहले ही हमारे चेहरे पे आ जाए, हमारी बातों में आ जाए, कि सामने वाला ये समझ जाना चाहिए कि ये जो बताने जा रहा है ना, ये इसने यूज किया है। हो सकता है वो सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं कर पाए, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास अभी ऑलरेडी है और नेक्स्ट परचेजिंग हम जल्दी नहीं डाल पा रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, बट जब भी आप किसी को प्लान या प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हो ना, तो वो अपना लैक ऑफ एक्सपीरियंस सामने वाले के सामने कभी भी ना शो करें। आप हमेशा उसको एक पॉजिटिवली तरीके से हैंडल करें कि हाँ, मेरे इन्होंने यूज किया था, डेफिनेटली द रिजल्ट इज दैट। कभी भी किसी को ये ना कहें कि अरे हमने तो यूज नहीं किया, हम आपको सेल करने जा रहे, कभी नहीं, क्योंकि सामने वाला तुरंत आपको नेगेटिव लेगा कि खुद तो यूज किया नहीं, हमें बता दे। ऐसा कुछ भी हमें नहीं शो करना। अगर हमने प्रोडक्ट नहीं भी यूज किया है तो हम उसे पॉजिटिवली टॉलरेट करें कि आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, और कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा ही ना करें जो हम नहीं जानते। हम उस प्रोडक्ट को लेकर के चर्चा करें जिसके सामने वाले को ऐड करना है, पॉइंट वैल्यूज बाद में देखेंगे। अगर आप यूज करेंगे तो जो सिखा मैम बोली कि सच में वो पूरा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे आएगा, दिखेगा, अगले को लगेगा कि प्रोडक्ट उसके हाथ में जरूर है लेकिन चेहरे पे दिख रहा है। तो थैंक यू मैम, सिखा मैम। भीष्म सर प्लीज। हां, थैंक यू, व्हाट डू यू सर, सभी लोगों को थैंक यू सुशील सर, थैंक यू सो मच।